सो फ्रेंड्स, आज हम ये एनिमेशन को रिक्रिएट करने वाले हैं। वेलकम फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें एक पावरफुल टूल की जरूरत है। वो टूल है नोड वीडियो। नोड वीडियो को ओपन करने के बाद हमें नोड वीडियो की इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देगा। फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली ये इंटरफेस बहुत पसंद आता है। नोड वीडियो में न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ न्यू बटन पर क्लिक करिए। न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमें नोड वीडियो की मेन इंटरफेस को देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसे देखते ही एडिटर्स की फट जाती है। अब यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स की विंडो को देखिए। यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट की एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 एंड हमारी फ्रेम रेट है 30 फ्रेम्स पर सेकंड। यहाँ मेरी प्रीव्यू रेजोल्यूशन को देखिए, ये डिफॉल्ट ही 50% है। अगर आपके डिवाइस में अच्छे स्पेसिफिकेशंस है तो आप प्रीव्यू रेजोल्यूशन को 100% कर लीजिए, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके डिवाइस में अच्छे स्पेसिफिकेशंस नहीं है तो आप प्रीव्यू रेजोल्यूशन को 25% कर लीजिए। मेरी डिवाइस 50% रेजोल्यूशन को हैंडल करेगा फ्रेंड्स, तो मैं 50% रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करूंगा। अब ये प्रीव्यू रेंडर मोड को देखिए फ्रेंड्स, ये करंट लेयर को सिलेक्ट करके है। इसका काम है जब हम दो या तीन लेयर्स को एनिमेट करते तब यहाँ प्रीव्यू रेंडर मोड में करंट लेयर सिलेक्ट करके रहा तो हमें सिर्फ एक्टिव लेयर की एनिमेशन को ही देखने को मिलेगा प्रीव्यू स्क्रीन पर। अगर आपको सारे लेयर्स की एनिमेशन को देखना चाहिए तो आप करंट लेयर पे क्लिक करके ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स की विंडो को क्लोज करिए। नाउ हम प्रोजेक्ट के एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए। अब मीडिया पे क्लिक करिए। मैं इमेजेस को ऐड करूंगा फ्रेंड्स, उसके लिए इमेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपकी इमेजेस को सिलेक्ट करके ऐड आइकॉन पर क्लिक करिए। बिफोर डूइंग एनीथिंग फर्स्ट हम ये सारे इमेजेस को रीनेम करेंगे। उसके लिए यहाँ पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करिए। मैं ये इमेज को फ्रंट कवर पेज नाम से रीनेम करूंगा। इसी प्रकार सभी इमेजेस को रीनेम करना है फ्रेंड्स, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम फ्रंट पेज इमेज पर एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, विच इज पेज कर्ल इफेक्ट। इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आपकी इमेज को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ एसेट स्टोर पर क्लिक करिए। अब यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, हम ये सारे इफेक्ट्स को फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ हमें स्टाइलाइज की कैटेगरी में जाना है फॉर पेज कर्ल इफेक्ट। नाउ यहाँ से पेज कर्ल इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये इफेक्ट कैनवस की एज से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में हमें ये इफेक्ट हमारी इमेज की एज से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये इमेज को मैं कैनवस की एज में प्लेस करूंगा तो ये इफेक्ट परफेक्टली वर्क करेगा फ्रेंड्स। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये इमेज को कैनवस की एज में प्लेस करने के बाद ये इफेक्ट परफेक्टली वर्क हो रहा। तो अब हम ये सारे इमेजेस की पोजीशंस को हम कैनवस की एज में प्लेस करेंगे। फर्स्ट हम पेज कर्ल इफेक्ट को डिलीट करेंगे। अब ये इमेज की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहाँ पोजीशन की एक्स वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। ये इमेज की एक्स वैल्यू को हम 0.8 पर सेट करेंगे। अब ये सारे इमेजेस की एक्स वैल्यू को 0.8 पर सेट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें ये इमेजेस विजिबल हो रहे हैं बट हमें ये इमेजेस की लेयर्स नहीं दिख रहे। एक्चुअल में ये इमेजेस की बॉक्सेस भी लेयर्स जैसा काम करते हैं, बट यहाँ से हम ये इमेजेस को ट्रिम करना, लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करना एंड लेयर्स की पोजीशंस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ ये आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक्चुअल लेयर्स दिखाई देंगे, बट हमें सिर्फ एक लेयर ही दिख रहा है। सभी इमेजेस की लेयर्स को एक्सेस होने के लिए हमें यहाँ रूट आइकॉन पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस 10 सेकंड हैं। जब हम नोड वीडियो में इमेजेस ऐड करते तब नोड वीडियो वो इमेजेस को 10 सेकंड की ड्यूरेशंस में टाइमलाइन में ऐड करता है। मैं ये एनिमेशन को 6 सेकंड्स की ड्यूरेशन में क्रिएट करूंगा फ्रेंड्स, तो मैं ये सारे लेयर्स को 6th सेकंड फ्रेम पर ट्रिम करूंगा। फर्स्ट टाइमलाइन इंडिकेटर को 6th सेकंड फ्रेम पर सेट करेंगे। अब लेयर्स को सिलेक्ट करके मेरे तरह ट्रिम कर लीजिए। आप ये स्लाइडर को यूज करके लेयर्स को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ होल्ड करके प्रीव्यू की एरिया को इंक्रीज करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए चौथी पेज, तीसरी पेज और दूसरी पेज इमेजेस को हाइड करिए। अब फ्रंट कवर पेज इमेज को सिलेक्ट करिए। अब ये इमेज पर पेज कर्ल इफेक्ट को अप्लाई करिए। प्लस आइकॉन पर क्लिक करिए।
अब एसेट स्टोर को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ स्टाइलाइज की कैटेगरी से पेज कर्ल इफेक्ट को सिलेक्ट करिए। अब टाइमलाइन इंडिकेटर को एक सेकंड की ड्यूरेशन में लेकर जाइए। अब यहाँ एक एवोल्यूशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से एक सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ सेकंड की फ्रेम को सिलेक्ट करके एवोल्यूशन वैल्यू को इंक्रीज करिए। फर्स्ट हम पेज कर्ल इफेक्ट की एंगल को एडजस्ट करेंगे। मैं एंगल वैल्यू को समथिंग अराउंड 0.52 पे सेट करूंगा। अब एवोल्यूशन की वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करिए। नाउ ये ग्राफ आइकॉन पे क्लिक करिए। ये एनिमेशन के लिए मैं ये डिफॉल्ट कर्व्स को सिलेक्ट करूंगा, विच इज ईज इन एंड ईज आउट कर्व्स। अब एवोल्यूशन की पहली की फ्रेम को सिलेक्ट करिए। ये की फ्रेम पर एवोल्यूशन की वैल्यू को जीरो कर दीजिए। अब एक बार प्रीव्यू को देख लीजिए फ्रेंड्स। परफेक्ट। अब यहां ये तीन लाइंस को क्लिक करके पेज कर्ल इफेक्ट को कॉपी करिए। अब फर्स्ट पेज इमेज को सिलेक्ट करिए। अब ये तीन लाइंस पे क्लिक करके पेज कर्ल इफेक्ट को पेस्ट करिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट पेज की एनिमेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि दो इमेजेस की एनिमेशन भी सेम टाइम पर है, इसलिए हमें पहली पेज की एनिमेशन नहीं दिख रहा है। अब हम फर्स्ट पेज इमेज की एवोल्यूशन की की फ्रेम्स को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे ताकि फर्स्ट पेज की एनिमेशन दिखे। फर्स्ट ऑल लेयर्स को ओपन करिए। अब यहां फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब फर्स्ट लेयर की लास्ट इवोल्यूशन की फ्रेम से 10 फ्रेम्स बैकवर्ड आना है। 10 फ्रेम्स बैकवर्ड आने के लिए 10 बार ये आइकन पे क्लिक करिए। अब फर्स्ट पेज लेयर को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ इवोल्यूशन की फ्रेम्स को ओपन करिए। अब ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करिए एंड ये की फ्रेम्स को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। अब एक बार प्रीव्यू को देखेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये एनिमेशन तो परफेक्ट है बट पहली पेज कवर पेज के नीचे जा रहा है। एक्चुअल में पहली पेज कवर पेज के ऊपर फ्लिप होना चाहिए था। इसे फिक्स करने के लिए मैं बहुत सारे टेक्निक्स को ट्राई किया बट वो टेक्निक्स काम नहीं किए। आप सिंपली पहली पेज लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड कॉपी को कवर पेज के ऊपर प्लेस करिए। अब यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करिए। अब मास्क पर क्लिक करिए। अब यहाँ शेप मास्क को सिलेक्ट करिए। यहाँ शेप टाइप को देखिए, नोड वीडियो डिफॉल्ट से एलिप्स शेप को सिलेक्ट कर रखा है। हमें तो रेक्टेंगल शेप की जरूरत है, उसके लिए एलिप्स पर क्लिक करिए। अब यहाँ रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करिए। अब ये शेप की साइज को मेरे तरह इंक्रीज कर दीजिए। अब यहाँ सेंटर की वैल्यूज को एडजस्ट किए तो ये मास्क की पोजीशन एडजस्ट होता है। ये मास्क की पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लीजिए। अब वीडियो को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेम पर फर्स्ट पेज कवर पेज के नीचे गया है। तो अब हम मास्क की एनिमेशन को ये फ्रेम से एक फ्रेम बैकवर्ड में शुरू करेंगे। एक फ्रेम बैकवर्ड आने के लिए एक बार ये आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये फ्रेम पर सेंटर की फ्रेम को ऐड करिए। अब एक फ्रेम फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब यहां से टाइमलाइन की स्पेस को इंक्रीज कर दीजिए। अब ये सेकंड की फ्रेम को सिलेक्ट करिए। नाउ मास्क की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पेज एनिमेशन परफेक्टली वर्क करेगा। अब फर्स्ट पेज लेयर की पेज कर्ल इफेक्ट को कॉपी कर लीजिए। अब दूसरी पेज लेयर को अनहाइड करिए। अब सारे लेयर्स को ओपन करेंगे। अब फर्स्ट पेज लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये लेयर की सेकंड इवोल्यूशन की फ्रेम को सिलेक्ट करिए। अब ये की फ्रेम से 10 फ्रेम्स बैकवर्ड आइए। अब सेकंड लेयर को सिलेक्ट करिए। अब पेज कर्ल इफेक्ट को ये लेयर पर पेस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करिए एंड ये की फ्रेम्स को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। अब ये सेकंड पेज लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड कॉपी को ऊपर लेकर आइए। अब ये लेयर पर शेप मास्क को ऐड करना है फ्रेंड्स। यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करिए। अब मास्क पर क्लिक करिए। अब यहाँ से शेप मास्क को ऐड करिए। यहाँ शेप टाइप पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करिए। अब ये रेक्टेंगल शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये रेक्टेंगल शेप की पोजिशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब ये फ्रेम पर एक सेंटर की फ्रेम को ऐड करिए। अब एक फ्रेम फॉरवर्ड जाइए। बिफोर एडिंग द की फ्रेम फर्स्ट हम टाइमलाइन की स्पेस को इंक्रीज करेंगे। अब ये फ्रेम पर रेक्टेंगल शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब सेकंड पेज की एनिमेशन भी परफेक्टली क्रिएट हुआ फ्रेंड्स। इसी तरह आप रिमेनिंग पेजेस को एनिमेट कर लीजिए।
लास्ट पेज को एनिमेट करना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, सिंपली आप लास्ट लेयर को अनहाइड कर दीजिए। अब एक बार प्रीव्यू को देख लीजिए। अब ये पेजेस को देखिए फ्रेंड्स, ये पेजेस के बीच में बहुत सारा शेडो क्रिएट हुआ है, ये शेडो पेज काल इफेक्ट की है। अब हम ये शेडो को एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट फ्रंट कवर पेज लेयर को सिलेक्ट करिए। अब पेज कल इफेक्ट की लास्ट इवोल्यूशन की फ्रेम को सिलेक्ट करिए। अब ये की फ्रेम से 7 frames फॉरवर्ड जाना है। अब शेडो की इंटेंसिटी पर क्लिक करिए। अब ये फ्रेम पर एक इंटेंसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 5 frames फॉरवर्ड जाना है। अब यहाँ इंटेंसिटी वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। इसी प्रकार आप फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज की शेडोज को कम कर दीजिए और थर्ड पेज की शेडोज को वैसे ही रहने दीजिए। आपको टॉप लेयर्स की फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज की शैडोज को भी कम करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शेडो बहुत कम हो गया और ये एनिमेशन देखने में बहुत सुंदर है। अब फ्रंट कवर पेज को सेलेक्ट करिए। अब स्क्रोल अप करके बैक फेस पे क्लिक करिए। अब यहाँ बैक फेस की ब्लेंडिंग वैल्यू को 1% कर दीजिए। आप चाहे तो बैक फेस की कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लास्ट पेज पे येलो लाइन हाइलाइटर एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करेंगे। ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए। अब यहाँ शेप पे क्लिक करिए। अब यहाँ दूसरी शेप पर क्लिक करिए। अब यहाँ शेप टाइप में से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करिए। फर्स्ट हम रेक्टेंगल शेप की कलर को चेंज करेंगे। अब ये शेप की साइज एंड पोजिशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये शेप लेयर की ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें ब्लेंडिंग इफेक्ट को अप्लाई करना है। यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से ब्लेंडिंग इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं ये शेप लेयर की साइज एंड पोजिशन को और थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये सारे लेयर्स को ओपन कर लीजिए। अब ये शेप लेयर को मेरे तरह ट्रिम कर लीजिए। अब ये शेप लेयर को हम थर्ड लेयर की फर्स्ट इवोल्यूशन की फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। अब ये लेयर को फोर्थ इमेज के ऊपर प्लेस करिए। एक्चुअल में हमें ये लेयर को थर्ड लेयर की सेकंड इवोल्यूशन की फ्रेम से स्टार्ट करना है। अब ये शेप लेयर पर शेप मास्क को ऐड करिए। यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके मास्क पर क्लिक करिए। एंड यहाँ से शेप मास्क को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ शेप टाइप में से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करिए। अब ये रेक्टेंगल की साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये रेक्टेंगल मास्क की पोजिशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब सभी लेयर्स को ओपन करिए।
अब यहाँ येलो लाइन शेप लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम से 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर एक सेंटर की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर मास्क की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करिए एंड ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। अब एक बार प्रीव्यू को देखेंगे फ्रेंड्स। ऑसम। अब हम ग्रीन स्क्रीन को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। यहां प्लस आइकन पर क्लिक करिए। अब फिल पे क्लिक करिए। अब यहां सॉलिड कलर को सिलेक्ट करिए। अब ये शेप की कलर को ग्रीन कलर कर दीजिए। अब ये लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। अब सभी लेयर्स को ओपन करिए। अब लास्ट लेयर को मेरे तरह ट्रिम कर दीजिए। अब ये एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब यहां रेजोल्यूशन को हम 1080 पिक्सल्स पर सेट करेंगे। नोड वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज मिलेंगे फ्रेंड्स। यहां से हम हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे। अब ये आइकॉन पर क्लिक करके ये एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर दीजिए। एनिमेशन को एक्सपोर्ट करने के बाद यहां होम बटन पर क्लिक करिए। अब हम और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट प्रीव्यू रेंडर मोड पर ऑल लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हम नीतीश भाई की एक वीडियो को ऐड करेंगे। फर्स्ट मैं ये वीडियो की स्केल को थोड़ा इंक्रीज करूंगा। अब हम एक टेक्सचर इमेज को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। नाउ हम हमारी एक्सपोर्टेड क्लिप को ऐड करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ये क्लिप को हाइड करेंगे। अब सेकंड इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये प्लस आइकन पे क्लिक करिए। यहाँ मास्क पर क्लिक करिए। अब यहाँ से शेप मास्क को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ शेप टाइप पर क्लिक करिए। यहाँ पॉलीगन पाथ को सिलेक्ट करिए। अब हम यहाँ और एक पॉइंट को ऐड करेंगे। अब ये पॉइंट्स की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब सभी लेयर्स को ओपन कर दीजिए। अब ये इमेज लेयर को 10 फ्रेम फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे। अब ये वीडियो लेयर को 15 फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। अब ये इमेज लेयर को मेरे तरह ट्रिम कर दीजिए। अब इमेज लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक सेंटर की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 25 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब यहां पर और एक सेंटर की फ्रेम को ऐड करिए। अब पहले की फ्रेम पे जाइए। यहां पर सेंटर की एक्स वैल्यू को मेरे तरह डिक्रीज कर दीजिए। अब सेकंड की फ्रेम को सिलेक्ट करिए। यहां पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये शेप की पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये सेंटर की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। अब इसकी एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब ये प्लस आइकन पर क्लिक करिए फ्रेंड्स। यहां शेप पर क्लिक करिए। अब शेप न्यू पर क्लिक करिए। अब यहां ये लाइन को सिलेक्ट करिए। फर्स्ट हम ये लाइन की कलर को चेंज करेंगे। अब ये लाइन की पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब लाइन की थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब ये लाइन की फर्स्ट फ्रेम पर एक स्टार्ट पोज की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 25 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्टार्ट पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करिए। ये की फ्रेम पर ये पॉइंट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ये एनिमेशन को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। अब ये लाइन की एनिमेशन को देख लीजिए। अब सारे लेयर्स को एक्सपैंड करिए। मैं ये लाइन की एनिमेशन को यहां से स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स। अब यह लाइन लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यह लाइन को मेरे तरह रोटेट कर दीजिए। अब यह लाइन की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। ये लेयर को यहां से स्टार्ट करेंगे। अब यह लाइन लेयर को डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेटेड लेयर को यहां से स्टार्ट कर लीजिए। अब यह लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यह लाइन को मेरे तरह रोटेट कर दीजिए। ये लाइन को यहां पर प्लेस करेंगे। अब ये लाइन लेयर को डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेटेड लेयर को यहां से स्टार्ट कर लीजिए। अब ये लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए।
अब ये लाइन को मेरे तरह रोटेट कर दीजिए, ये लाइन को यहां पर प्लेस करेंगे। अब ये लाइन लेयर पर ब्लेंडिंग इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ओपेसिटी वैल्यू को 0.1% कर दीजिए। अब ये इफेक्ट को कॉपी करके रिमेनिंग दो लाइन लेयर्स पर पेस्ट कर दीजिए। अब ये वीडियो लेयर को ऊपर लेकर आइए। अब एक बार सभी लेयर्स को एक्सपैंड करिए। अब ये लाइन लेयर्स को मेरे तरह ट्रिम कर दीजिए। अब ये वीडियो लेयर को अनहाइड कर दीजिए। अब हम ये वीडियो लेयर पर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करिए। अब मास्क पर क्लिक करिए। अब यहाँ से क्रोमा की को ऐड करिए। एज यू कैन सी, ये ऑटोमेटिकली ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया। अब जो भी एडजस्टमेंट्स हो, हम वह चीज़ बाद में करेंगे। अब ये वीडियो लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब इसे हल्का सा रोटेट करेंगे। अब ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से एक सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करिए। ये की फ्रेम पर पोजीशन की वाई वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। अब ये प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक EMT ग्रुप लेयर को ऐड करिए। अब ये सारे लेयर्स को ग्रुप में ट्रैक कर दीजिए। ग्रुप में ड्रैग करने के बाद ये लेयर्स को परफेक्टली अरेंज कर दीजिए। अब हम ग्रुप लेयर पर स्केल एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। अब ये फ्रेम पे ग्रुप लेयर पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब समथिंग अराउंड 2 seconds फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब यहां स्केल को मेरे तरह इंक्रीज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। अब एक बार प्रीव्यू को देख लीजिए फ्रेंड्स। अब हमें ग्रीन स्क्रीन को और थोड़ा एडजस्ट करना है फ्रेंड्स। अब मैं यहां रेड इंटेंसिटी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करूंगा फ्रेंड्स। नाउ इट्स परफेक्ट। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।